हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट सेशन ऑफ क्लास 12 फिजिक्स। और ये मैं लेकर आया हूँ आपके लिए बहुत ही अमेजिंग सेशन, जिसके अंदर हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों। ये पहला सेशन है बोर्ड्स एक्सक्लूसिव क्लासेस का। एक छोटी सी नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, जहाँ पे हम लोग बोर्ड से रिलेटेड जो बोर्ड के ऊपर जो क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं उन टॉपिक्स को हम लोग पहले कवर करते हैं, उनको यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा बहुत उससे रिलेटेड जो जो टॉपिक्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उनका रिविजन भी होगा, ताकि आपको समझ में आ सके कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास के साथ। और आज की क्लास है पहला जो है साइक्लोट्रॉन के बारे में हमें पढ़ना है। साइक्लोट्रॉन को पढ़ने के लिए ऑब्वियसली हमें फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज जो है उसकी उसके बारे में थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, और उसके बारे में थोड़ी सी बातचीत भी, थोड़े सारे रिविजन भी करना होगा। तो आज हम इसी में शुरू करने वाले हैं बच्चों। लेट अस स्टार्ट, एंड द फर्स्ट थिंग दैट वी स्टार्ट विद एज यूजुअल माई लिटिल बिट ऑफ इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ। तो मेरा नाम है अनु गुप्ता, मैंने आई क्लियर जेई अ लॉन्ग टाइम बैक। वैसे तो मैं मर्चेंट नेवी में था, मरीन इंजीनियर हूँ, पर मैं पिछले 15 से ज़्यादा सालों से जेई और नीट की कोचिंग दे रहा हूँ बच्चों को, क्योंकि होता ना डेस्टिनी कॉलिंग वाली बात बाद में आती है, जब पूरी जब नेवी में घूम का मतलब सर्व कर लिया, दुनिया भर घूम ली, उसके बाद याद आया, उसके बाद जाके कहीं समझ में आया कि नहीं यार पढ़ाने में बच्चों को ज़्यादा मज़ा आता है, तो फाइनली हियर आई एम। तो पिछले 15 साल से मैं आईटी जेई और नीट की कोचिंग दे रहा हूँ अपने बच्चों को, और इस बीच में ये इन 15 सालों में हजारों बच्चों को का डॉक्टर या आईटी बनने का सपना पूरा करने में अपना योगदान दे चुका हूँ। बेसिकली बच्चों मैं कोटा से हूँ, और कोटा से में मैंने बहुत सालों से मतलब एक्चुअली बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन कोटा है, मेरी खुद की एजुकेशन पूरी कोटा में हुई है, और यहीं पर मैं चीज़ों को बढ़ा रहा हूँ, और कोटा का जो पढ़ाने का तरीका है, कोटा का जो मटीरियल है, वो सारा का सारा मटीरियल मैं आप लोगों के लिए लेकर यहाँ पर आता हूँ। ठीक है, अच्छा, अगर आपको वैसे हमारी यहाँ पर बिग शाउट आउट टू माय टीम, यहाँ पे मेरी बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक बहुत एंथुजियास्टिक टीम है जो लगातार कोशिश करती रहती है कि किसी तरीके से हमारे बच्चों का जो इंटरेस्ट है वो बढ़ता ही जाए बढ़ता ही जाए, और इतना ज़्यादा बढ़ता जाए कि उन्हें लगभग पढ़ने की लत पड़ जाए। ठीक है, तो वो जो पढ़ने की लत लगाने वाली बात है उसके लिए हम लोग यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, और बात आ रही है यहाँ पर ये कि हमसे जुड़े रहने के तरीके क्या हैं। तो उसके लिए आपके पास बच्चों टेलीग्राम का जो ऐप होनी चाहिए आपके फ़ोन में, आप यहाँ पे वेब ब्राउज़र में जाइए और उसमें ये वाला यूआरएल डाल दीजिए बच्चों। जैसे अभी वाला यूआरएल डालोगे तो आपको यहाँ पे हमारे टेलीग्राम के जितने भी लिंक्स हैं वो सारे सारे मिल जाते हैं, सारे हमारे चैनल्स के, उसमें जो भी आपके काम का लिंक है, चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हो या जेई की तैयारी कर रहे हो या एसएससी की तैयारी कर रहे हो या कैट की तैयारी कर रहे हो या किसी की भी तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सिर्फ बोर्ड 11वीं 12वीं बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, जिस भी तरीके से आप तैयारी कर रहे हो आप यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। और आप यहाँ पर माइक में कोई प्रॉब्लम है क्या, वॉइस नॉट कमिंग, आवाज़ कुछ गड़बड़ है क्या, आवाज़ गड़बड़ है, एक मिनट में देख लेता हूँ, लेट मी चेक। अगर आवाज आ रही हो तो अंगूठे दिखा देना बच्चों, अगर आवाज क्लियर हो गई हो तो। शुभांगी जी बता रही है ठीक है, सदी कह रहे हैं आवाज सर में मतलब कुछ गड़बड़ हो सकती है, ठीक है आवाज कम है। एक बार मैं देखता हूं, रुको। हाँ भाई अभी अभी आवाज आप लोगों को ठीक आ रही है क्या? हाँ अभी ठीक हो गई तो अंगूठे दिखा दो। ओके सो लेट्स कंटिन्यू। नहीं हुआ ठीक,
हाँ अभी आवाज आ रही है। जस्ट अ सेकंड, एक काम और कर लेते हैं छोटा सा। हाँ अभी ठीक है, ठीक है चलो। हाँ जी, सो लेट्स कंटिन्यू विद दिस। चलो तो भाई, माय नेम इज अरुण गुप्ता और ये अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से अगर आप जुड़ना चाहते हैं। ओके अरे अरे आप शांत हो जाओ। हाँ तो अगर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहना है तो आप यहाँ पे ये वाला लिंक डालिए और ये वाला लिंक डालते के साथ ही आप कहाँ पे डालोगे, वेब ब्राउजर के अंदर। तो उससे आपको हमारे सारे के सारे जितने भी हमारे चैनल से उन सबके लिंक मिल जाएंगे। जैसे ही आपको सबके लिंक मिलेंगे और आप उन लिंक को जाके जो भी आप नीट की तैयारी कर रहे हो, जे की तैयारी कर रहे हो, जिस भी चीज की आप तैयारी कर रहे हो उस पर जाके क्लिक करो और मस्त हो जाओ। ठीक है, वहां से आपको सारे के सारे आपको ये मिलते रहेंगे, आपको सारे के सारे नोटिफिकेशन आते रहेंगे कि भाई हम लोग क्या 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 स्पेशल क्लासेस लेके आ रहे हैं, किस किस तरीके की बातें हम लोग कर रहे हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर कौन कौन से सेशंस आपके लिए लेके आ रहे हैं वो सारी चीजें आपको वहां पर मिलती रहती है बच्चों। ठीक है चलिए, ये तो कई बातें जो हम करने वाले हैं उसके बारे में। अब सवाल ये है कि जो हम कर चुके हैं उसका क्या। तो जो हम ऑलरेडी आपके लिए कर चुके हैं उसके लिए आप ये कर सकते हो बच्चों कि ये वाला, अगर आप ये वाला जो URL ये डालते हो तो हमने यहाँ इसको डालने से आप एक बहुत ही खूबसूरत चीज पहुंच जाते हो जिसका नाम है वीडियो बुक। वीडियो बुक क्या चीज है? वीडियो बुक है बेसिकली एक ऐसी जगह है जहां पे नहीं नहीं मैं यही हूँ, टेंशन मत लो। अच्छा तो उस केस में क्या होगा कि हमने जितने भी वीडियोज आपके लिए बना के रखे हुए हैं, जितने भी सेशन हमने आपके लिए बना के रखे हुए हैं यूट्यूब के ऊपर, वो सारे के सारे आप यहाँ पे, आपको यहाँ पे सारे के सारे लिंक मिल जाएंगे। आप लिंक पे क्लिक करो, जो भी चैप्टर आपको आपको पढ़ना है उसके लिंक पे क्लिक करो, वीडियो देखो और मतलब अपना पूरा पढ़ाई करो और आगे चलो। ठीक है, आपको यूट्यूब के अंदर जो हजारों लाखों वीडियोज है उनके ऊपर भटकने की या उनके अंदर घूमने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है बच्चों। ठीक है चलो, एक और बात यहाँ पे ये है कि अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन जो होता है बच्चों वो बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसको आपको जरूर लेना है। क्यों? क्योंकि देखो सीधी सी बात है, अगर ये एक साल या दो साल का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेंगे तो सबसे पहली बात तो ये सबसे ज्यादा इकोनॉमिक ये वाला पड़ता है। ठीक है, सबसे ज्यादा इकोनॉमिक पड़ते हैं एक साल या दो साल का सब्सक्रिप्शन। यहाँ पे से 1500 रुपए पर मंथ की फीस है, यहाँ पे 2500 रुपए पर मंथ की फीस है। और अगर आप इसको अगर आप लेते हो तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाला है बच्चों। क्योंकि मतलब अमाउंट वाइज तो खैर ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है ही, सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम आपको यूट्यूब पे, जो अक्सर मुझे बच्चे पूछते हैं कि सर जब आप यूट्यूब पे इतना अमेजिंग कंटेंट ऑलरेडी आपको दे ही रहे हो तो हम यहाँ से पढ़ ही लेते हैं तो फिर हम अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन क्यों ले। तो देखो ऐसा होता है, नॉलेज एक अलग चीज है और आपकी प्रैक्टिस एक दूसरी चीज है। ठीक है, नॉलेज आप अक्वायर कर लोगे आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ भाई ठीक है। और जैसे ये तो कुछ ऐसा है कि जैसे आपसे मैं कहूँ कि बेटा वो जगह है वहां पर, ये ले मैप और निकल ले। ठीक है, मैं आपको बताऊँ, आप मुझे पूछो तो मुझे यहाँ जाना है कैसे जाऊँ, तो मैं आपको मैप पकड़ा दूँ निकल जा। और दूसरा तरीका ये होता है कि मैं आपसे कहूँ कि नहीं चल चल मैं तेरे को छोड़ के आता हूँ, मैं तेरे साथ चलता हूँ, मैं तेरा साथ दूंगा यहाँ से वहां तक जाने में। तो ये जो चीजें होती हैं इनके लिए ही हम यहाँ पर ऐसा कुछ काम करते हैं कि भाई अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन का मतलब बेसिकली आपको हमारा एक जो मेंटरशिप है वो मिल जाती है, आपको मेरा साथ मिल जाएगा कि भाई मेरा, मैं आपके साथ चलूं, मैं आपको गाइड करूं। 15 साल हो गए मुझे बच्चों को गाइड करते करते और बहुत सारे बच्चों को डॉक्टर या IIT में बनाने का मैं अपना योगदान दिया है। तो अब आपकी बारी है, मैं चाहता हूं कि मैं आपके साथ रहूं, पर उसके लिए आपको भी चाहना चाहिए कि मैं आपके साथ रहूं। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं एक साल या दो साल का सब्सक्रिप्शन लीजिए। और क्योंकि इससे छोटा सब्सक्रिप्शन लेने में, यार देखो भाई, जब 16 लाख बच्चे 40,000 सीट्स के पीछे पड़े हुए हैं तो देयर इज अ वेरी लो पॉसिबिलिटी कि एक्चुअली आप वहां तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, एक्चुअली मतलब 15,60,000 बच्चों को पीछे कर पाना इतना आसान काम नहीं है। अगर आप न्यूटन, आइंस्टीन, गैलीलियो, मैडम क्यूरी हो तो अलग बात है, लेकिन अगर आप नॉर्मल इंसान हो, नॉर्मल बच्चे हो, मतलब बिल्कुल मतलब हालांकि तेज हो लेकिन नॉर्मल बच्चे हो, तो उस केस में आपको जो चाहिए वो क्या है? वो ये है कि आपको एक लगातार साथ चाहिए, खूब सारा टाइम चाहिए। ठीक है, अच्छा इस चक्कर में मैं अभी आपसे ये चाहता हूँ कि आप यहाँ पर आइए और एक ये सब्सक्रिप्शन लीजिए। अगर आपको ये फीस ज्यादा लगती है तो आप उसमें, उस केस में आप ये मेरा कोड यूज कर सकते हो। मेरा कोड है अनु10, अनु मेरा नाम है, 10 क्योंकि 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा अगर आप ये कोड यूज करते हो तो। ये मैक्सिमम डिस्काउंट है जो मिल सकता है, 10% का डिस्काउंट आपको मिलेगा। जैसे ही आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा तो ये जो फीस है जो 1500 रुपए पर मंथ थी वो कम होकर 1350 रुपए पर मंथ रह जाएगी। दिस इज वेरी वेरी चीप। ठीक है, और कैसे हम लोग आपको हेल्प करते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन एक साल और दो साल की जो फीसेज है वो ये है।
अगर आपको ये भी लगता है कि सर ये भी ज्यादा है, इतना भी एक साथ में दे सकते हैं, तो कोई बात नहीं, आप ईएमआई के थ्रू नॉट सॉरी क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो नो कॉस्ट ईएमआई है वो प्रवेल कर सकते हैं, वो अवेल कर सकते हैं, और उसकी वजह से आपको 3 महीने या 6 महीने की बिना एक्स्ट्रा कॉस्ट के ईएमआई में भी आप इस पेमेंट को कर सकते हैं। चलिए भाई शुरू करते हैं आज की क्लास, और आज की क्लास है ये क्या है भाई, चलो अच्छा हाँ जी हेलो परी, देखे जरा कौन कौन बच्चे आ गए, परी आ गई, भावना, जैनाब, GT33 ओके ये आपका स्कूल का रोल नंबर दिखता है, G233, निवेश, विजय, लो जी आपका पूरा नाम विद रोल नंबर एंड क्लास ले लिया मैंने, ठीक है तने, चलो भाई आगे बढ़े। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है साइक्लोट्रॉन, लेकिन साइक्लोट्रॉन को समझने के लिए आपको पहले वेलोसिटी सेलेक्टर, मास स्पेक्ट्रोमीटर या बेसिकली फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। अगर मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज की बात की जाए, तो अगर यहाँ पे हम ये कहते हैं कि कहीं किसी जगह पे मान लो मैग्नेटिक फील्ड है, तो फोर्स इज गिवन बाय क्यू वी क्रॉस बी, ये सारी बातें वैसे मैं आपको शाम को पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, यहाँ पे फिर से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या है, फोर्स होती है क्यू वी क्रॉस बी, वेलोसिटी वी क्रॉस बी का मतलब क्या हो गया, तो अगर यहाँ पे कोई चार्ज है मान लो किसी जगह पे, ये मैग्नेटिक फील्ड है बी अंदर की तरफ है लेटर से, और वेलोसिटी, और यहाँ पे कोई पार्टिकल है जिसको वेलोसिटी दे दी गई है ऊपर की तरफ इधर, ठीक है। अब अगर यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल होता तो वी क्रॉस बी के हिसाब से क्या होता, वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, ठीक है। अगर वेलोसिटी जो है वो यहाँ पे ये वो यहाँ ऊपर की तरफ होती और बी अंदर की तरफ होता, तो वी क्रॉस बी के हिसाब से जो फोर्स लगती वो इस तरफ लग जाती, ठीक है। वी क्रॉस बी के हिसाब से जो फोर्स होती वो इस तरफ लग जाती, और इसका मतलब क्या होता, ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि भाई वेलोसिटी क्रॉस बी के हिसाब से जब फोर्स इधर इधर की तरफ लगी, तो हम यहाँ पे ये सॉरी गड़बड़ होगी मेरा हाथ बाहर चला गया फ्रेम से, कोई बात नहीं, वी क्रॉस बी के हिसाब से जो फोर्स है वो इधर की तरफ लग जाएगी, और जब इधर की तरफ फोर्स लगेगी तो यहाँ पे हम ये कहेंगे कि यहाँ पर जो फोर्स आ गई वो इस डायरेक्शन में आ गई, और जैसे यहाँ पे फोर्स आई वी क्रॉस बी कैसे निकालते हैं बच्चों, वेलोसिटी इधर की तरफ है बी इधर की तरफ है, तो वी क्रॉस बी का मतलब इधर की तरफ आ गया, तो फोर्स आ गई इस डायरेक्शन में। जैसे ही फोर्स इस डायरेक्शन में आएगी, अगर ये चार्ज पॉजिटिव होता है, एक्चुअली ये तो हो गया वी क्रॉस बी का डायरेक्शन, वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का डायरेक्शन ये हो गया, चार्ज आपको डालना होगा साइन के साथ, तो फोर्स आ जाएगी क्यू वी क्रॉस बी, और अगर चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स एक्चुअली इधर लगेगी, चार्ज नेगेटिव है तो फोर्स इधर की तरफ लग जाएगी। जैसे इस क्वेश्चन में अगर मैं देखूं वेलोसिटी इधर दे रखी है, मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ दे रखी है, तो फोर्स इधर लगेगी, अब वेलोसिटी इधर दी है मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ दी है, तो वी क्रॉस बी के हिसाब से फोर्स लगेगी अंदर की तरफ, यानी कि स्क्रीन के अंदर की तरफ फोर्स है, ठीक है, स्क्रीन के अंदर की तरफ फोर्स है, मतलब फोर्स यहाँ पे अंदर की तरफ आ गई। एक्चुअली अगेन वी क्रॉस बी अंदर की तरफ है, चार्ज अगर पॉजिटिव होगा तो वाकई फोर्स अंदर होगी, चार्ज अगर नेगेटिव होगा तो फोर्स बाहर की तरफ होगी। हमेशा ध्यान रखना बच्चों, जितनी भी वेक्टोरियल इक्वेशन होती है उनमें हम लोग चार्ज को हमेशा साइन के साथ डालते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ जाते हैं। अब अगर एक चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्रोजेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, अगर एक चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर प्रोजेक्ट कर दिया तो क्या होगा, जैसे ही मैंने यहाँ पे इसको प्रोजेक्ट किया, वेलोसिटी है इस तरह इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड जैसा कि दे रखी है आपको अंदर की तरफ, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और वेलोसिटी इधर की तरफ है, तो वी इधर और बी अंदर, वी क्रॉस बी फोर्स किधर लगेगी बच्चों, वी क्रॉस बी जो लगेगी वो ऊपर की तरफ आएगी। जैसे ही वी क्रॉस बी फोर्स ऊपर की तरफ आई, तो इसका मतलब इस पे यहाँ पे फोर्स ऊपर की तरफ लगी, थोड़ा आगे बढ़ा फिर इधर की तरफ लगी, फिर आगे बढ़ा फिर इधर की तरफ लगी, फिर और आगे बढ़ाओ फिर आगे बढ़ा फिर इधर फोर्स लगी, फिर इधर लगी, फिर इधर लगी, फिर इधर लगी, और इस तरीके से फोर्स लगती चली गई। और अगर ये फोर्सेस लगती चली गई हैं, इस बात का मतलब क्या हुआ कि हमेशा जो फोर्स है वो एक सेंट्रीपिटल फोर्स है जो एक सेंटर की तरफ लग रही हैं, और वो सारी की सारी जो फोर्सेस है उनकी वैल्यू क्या हो गई, वो सारी की सारी फोर्सेस की वैल्यू आ जाएगी बच्चों क्यू वी क्रॉस बी। अच्छा वी और बी के बीच में एंगल कितना है, वेलोसिटी इस स्क्रीन के प्लेन में है, मैग्नेटिक फील्ड स्क्रीन के प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। यानी कि अगर वेलोसिटी और बी परपेंडिकुलर है और बी यूनिफॉर्म है, इसीलिए कहते हैं ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड। ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या हुआ, ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड का मतलब हो गया परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो उस केस में जो फोर्स आएगी वो किधर आएगी, ऊपर की तरफ, कितनी आएगी, वो हो जाएगी क्यू वी बी। एक्चुअली क्यू वी बी साइन थीटा होता, पर वी और बी के बीच में जो एंगल आ रहा है, वेलोसिटी इधर है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, दोनों के बीच में जो एंगल आ रहा है वो 90 डिग्री आ रहा है। अगर दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री आ रहा है, इस बात का मतलब क्या हो गया कि इसका मतलब क्यू वी बी साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी, साइन थीटा की, साइन 90 की वैल्यू आ जाएगी 1, तो फोर्स हो गई क्यू वी बी। यही वो फोर्स है जो अंदर की तरफ लग रही है, यही सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो इसी को मैंने एम वी स्क्वायर बाय आर के बराबर कर दिया बच्चों।
जैसे ही मैंने इसको एम वी स्क्वायर बाय आर के बराबर किया, वी से वी कटा और रेडियस की वैल्यू आ गई है एम वी बाय क्यू बी, और यही रेडियस की वैल्यू यहाँ पे हम लोग लिख के रखी हुई है, रेडियस हो जाता है एम वी बाय क्यू बी। ठीक है, अच्छा ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है बच्चों, वी इक्वल टू आर ओमेगा होता है, सुना होगा आपने। अगर v इक्वल टू आर ओमेगा होता है तो ओमेगा होता है v बाई आर। ठीक है, और इसका मतलब वेलोसिटी तो जो दे रखी थी वो दी ही थी, r की वैल्यू mv बाई क्यू बी हो गई, तो ये हो गया v अपॉन mv बाय क्यू बी, यहां पे v से v कटा और ये आ गया क्यू बी बाय एम। ठीक है, तो ओमेगा की वैल्यू आ जाती है क्यू बी बाय एम, टू बी रिमेंबर्ड एट ऑल टाइम्स, ओमेगा की वैल्यू आ गई क्यू बी बाय एम। ठीक है त्रिशा, वैसे तो मैं रोज शाम को रात को 8 से 9 लाइव आता हूँ अनअकैडमी नीट चैनल पे, बट दैट इज ओनली फॉर दैट इज फॉर नीट। ठीक है, ये मैंने नई सीरीज स्टार्ट करी है और इसके आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, जिसके अंदर हम लोग सिर्फ बोर्ड के इसके कॉरेस्पॉन्डिंग टॉपिक है उनके बारे में बातें करेंगे। ठीक है, अच्छा अब अगर टाइम पीरियड की मैं बात करूं, यहाँ पे टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, तो टाइम पीरियड जो होता है वो हो जाएगा 2πr/v, 2πr रेडियस अपॉन वेलोसिटी। तो अगर मैं सारी वैल्यूज उठा के डाल देता हूं तो 2πmv/qb या 2πω भी कह सकता है, एक्चुअली मैं इसको 2πω कह देते हैं, ओमेगा तो था ही qb/m, यानी कि टाइम पीरियड की वैल्यू आ जाएगी 2πm/qb। ठीक है, तो टाइम पीरियड का जो एक्सप्रेशन आ जाता है वो आ जाता है 2πm/qb। क्लियर है इतना, चलो अच्छा बैकलॉग कैसे कवर करें। बेटा मैंने ऑलरेडी प्रो वचन के नाम से एक सीरीज चला रखी है जिसके अंदर मैं ये ऐसी बातें कवर करता हूँ, उसके अंदर मैं ऑलरेडी गैस पे कुकर किसने चढ़ाया था, राशि ने चढ़ाया था क्या। अच्छा बैकलॉग कवर करने का तरीका यही है कि आप जाइए और उसमें मतलब प्रो वचन नाम का एक सीरीज ऑलरेडी मैंने इसी चैनल पर मैंने वीडियो बना रखा है, उसमें जाके देखो कि हाउ टू कवर बैकलॉग। ठीक है, हाउ टू कवर बैकलॉग करके इसी चैनल पे सर्च मार दोगे तो आपको मिल जाएगा, बढ़िया आराम से वीडियो बना रखा है, पूरे तसल्ली से बैठ के पूरी बकायदा समझाया हुआ है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या होता है, अगर आप यहाँ देख रहे हो तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर वही चीज हो रही है कि अगर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ रही है, अब अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ रही है और एक चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया तो वी क्रॉस बी के हिसाब से जो फोर्स थी एक्चुअली वी क्रॉस बी अगर देखा जाए तो बच्चों वी क्रॉस बी इस पर लगना चाहिए था नीचे की तरफ। ठीक है, V क्रॉस B जो है वो आ गया नीचे की तरफ, और अगर V क्रॉस B नीचे की तरफ आया लेकिन ये इलेक्ट्रॉन है, ये नेगेटिवली चार्ज है, यानी कि जो फोर्स लगेगी वो किधर लगेगी, फोर्स लग जाएगी ऊपर की तरफ, तो QV क्रॉस B जो है वो ऊपर की तरफ आ गया और वो ऐसे यहाँ पे सर्कल में घूमते 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 इसको सेंटर मान गई है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, यूनिफॉर्म ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म का मतलब स्पेस के साथ मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रही है, ट्रांसवर्स का मतलब डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है अगर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और उस केस में हम ये कह सकते हैं कि ये जो फोर्स लगेगी तो उस केस में जो मोशन होगा वो सर्कुलर मोशन होने वाला है, तो सबसे पहले तो बात होगी सर्कुलर मोशन की। ठीक है, अच्छा मैग्नेटिक फोर्स के बारे में अगर हम बात करें तो मुझे जल्दी से एक बात बताओ, अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ठीक है, और अगर एक चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर था तो उसके ऊपर फोर्स क्या लगेगी, जल्दी से लिखो बच्चा, बताओ फटाफट बताओ, अगर मैग्नेटिक फील्ड एक डायरेक्शन में है और एक चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर था तो उसके ऊपर फोर्स की तरह कितनी आएगी उसके ऊपर फोर्स, तो आंसर है उसके ऊपर फोर्स आएगी जीरो, उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं आएगी। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड एक डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी दे दी, अगर इसी डायरेक्शन में वेलोसिटी दे दी या इसके अपोजिट डायरेक्शन वेलोसिटी दे दी तो भी फोर्स जीरो ही आएगी, तो भी फोर्स जीरो ही आएगी। ठीक है बच्चों, सबको समझ में आ रहा है, बिल्कुल सही बात है अर्णव शिनचैन, गुड। अच्छा अब क्या हुआ, अब अगर सेम डायरेक्शन में वेलोसिटी दी तो भी फोर्स जीरो आ गई, जीरो जीरो वेलोसिटी दी तो भी फोर्स जीरो आ गई, अगर इन दोनों ही केसेस में अंदर फोर्स जीरो आ गई। अब अगर मान लो कि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में थी, ठीक है, ये तो हो गई मैग्नेटिक फील्ड, और मैंने एक पार्टिकल को इस यहां पे रखा और वो ये ऊपर की तरफ वेलोसिटी दे दी, ठीक है, लेट अस से पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल था, मास उसका एम था और उसको ऊपर की तरफ वेलोसिटी दे दी, ध्यान से समझना बच्चों, जैसे ही मैंने उसको ऊपर की तरफ वेलोसिटी दी क्या होगा, जैसे ही मैंने उसको ऊपर की तरफ वेलोसिटी दी, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, वेलोसिटी ऊपर की तरफ दी है, तो वी क्रॉस बी के हिसाब से जो फोर्स होगी वो एक बार फिर स्क्रीन के अंदर की तरफ लगेगी, ये स्क्रीन मेरे सामने, ठीक है, वी क्रॉस बी तो स्क्रीन के अंदर की तरफ फोर्स आएगी। अब जब फोर्स स्क्रीन के अंदर की तरफ आई तो इसका मतलब क्या हुआ, वो पार्टिकल यहां से ऊपर की तरफ उछाला था
और ऊपर की तरफ उछालते ही वो उल्टा इधर पीछे की तरफ आएगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ से उछाला वो पीछे की तरफ आएगा, अगर वो पीछे की तरफ आया तो भाई वो बेसिकली इस तरीके से एक सर्कल में घूमना शुरू कर देगा। ये बात समझ में आ रही है क्या? वो जो उसका जो मोशन होगा वो एक्चुअली आपको इस पार्ट में तो नजर ही नहीं आएगा, इस स्क्रीन पे तो नजर ही नहीं आएगा। हाँ, आप ये कह सकते हो कि यहां से अगर कोई देखता तो उसे क्या नजर आता, यहां से इधर से अगर उसको कोई देखता तो सबसे पहली बात तो देखो इधर है एक्स एक्सिस, ऊपर की तरफ है वाई एक्सिस, ठीक है, और ये बाहर की तरफ यहां पर है जेड एक्सिस, बाहर की तरफ, ठीक है। इधर से कोई देखता तो उसको ऊपर दिखता वाई, ठीक है, इधर से कोई देखता तो उसको ऊपर दिखता वाई, अंदर दिखता एक्स, एक्स जो है वो अंदर की तरफ दिखता। और यहां से इधर से देखने वाले को, इधर से अगर मैं यहां पे आ जाऊं इधर ऐसे इसको देखूं, तो जब मैं इसको इधर देखूंगा तो मुझे राइट में क्या दिखेगा, मुझे राइट में दिखेगा पॉजिटिव जेड एक्सिस। तो जो मुझे यहां से दिख रहा है वो मैं यहां पे लेके इसके साइड में दिखा देता हूं, ठीक है। तो राइट में दिखाया तो वो यहां पे आ गया जेड एक्सिस, ठीक है। अब यहां होगा क्या कि जो पार्टिकल था, पार्टिकल तो रखा हुआ था सेंटर पे, ठीक है, पार्टिकल यहां पे रखा था और उसको वेलोसिटी दी गई ऊपर की तरफ। अगर उसको वेलोसिटी दी गई है ऊपर की तरफ, इस बात का मतलब क्या हुआ, अब मैग्नेटिक फील्ड की तरह है, मैग्नेटिक फील्ड यहां पे देखा जाए तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, यानी कि अंदर की तरफ है। तो अगर वी क्रॉस बी के हिसाब से फोर्स लगेगी तो इधर की तरफ, मतलब वी क्रॉस और बी के हिसाब से फोर्स लगेगी तो फोर्स इधर की तरफ आएगी, यानी कि उसका जो मोशन होगा वो पीछे की तरफ शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, जैसे ही आपने फोर्स लगाई वी क्रॉस बी के हिसाब से तो वो यहाँ पे मोशन करना शुरू करेगा, मोशन करते करते वो इस तरीके से सर्कल में घूमना शुरू कर देगा, ठीक है। और जैसे ही उसने सर्कल मोशन में करना शुरू किया, एक्चुअली वो यहां से जो आदमी देख रहा है, अगर मैं यहां से देख रहा हूं इस डायग्राम को, तो वो पीछे की तरफ घूमा, तो जब वो पीछे की तरफ घूमा तो वो चीज यहां ऐसे नजर आई, हालांकि इस डायग्राम में वो चीज नजर नहीं आएगी। लेकिन मेरे को अभी चैन नहीं आया, वो अपने आराम से घूम रहा था ऐसे गोल गोल घूम रहा था। अब जब वो घूम रहा था तो अगली बार जब वो यहाँ सेंटर ओरिजिन पे आया तो मैं यहाँ पे छोटा सा हथौड़ा लेके बैठ गया, ठीक है। जैसे ही वो ओरिजिन पे आया मैंने टन से एक बार दे मारा तो ये आगे जाने लग गया। अब अगर ये आगे जाने लग गया तो वो यहाँ पे ये एक्चुअली इस तरीके के मोशन कर रहा था, ये ऐसे पीछे पीछे घूम रहा था, ठीक है। और जैसे ही मैंने इसको आगे की तरफ वेलोसिटी दी तो इसने आगे की तरफ मोशन करना शुरू कर दिया। बेसिकली ये हुआ कि जिस सर्कल के अंदर ये घूम रहा था वो सर्कल को मैंने इधर की तरफ वेलोसिटी दे दी, वेलोसिटी फोर्स जो होगी, सॉरी फोर्स जो होगी, फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, व्हाई, बिकॉज एक्चुअली फोर्स इज वी क्रॉस बी। और इसका मतलब ये हो गया कि वो जब आगे जाएगा तो आगे जाते जाते क्या होगा, ये वाला जो इस डायरेक्शन में फोर्स कोई होगी नहीं, तो ये जो सर्कल है ये सीधे सीधे आगे चलता चला जाएगा और ये जो मोशन बनेगा उसको हम लोग प्यार से कहते हैं हेलिक्स, ठीक है। ये मैं सारी चीजें रिवाइज करा रहा हूँ बच्चों, क्योंकि आपको साइक्लोट्रॉन पढ़ना है, ठीक है। ये जो मोशन होगा एक्चुअली वो देखने में कुछ इस तरीके का लगेगा 3D के अंदर, ठीक है। तो ये जो है इसको हम लोग कहते हैं हेलिक्स, हेलिक्स इस तरीके का मोशन होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद आता है लॉरेंट फोर्स। हाँ बेटा मैंने पढ़ा दिया था, बिल्कुल सही बात है, अच्छा हुआ आपको याद है। मैं सिर्फ ये सब रिवाइज करा रहा हूं ताकि मैं आपको साइक्लोट्रॉन पढ़ा पाऊं बच्चों, ठीक है। चलो इसके बाद क्या हुआ, लॉरेंट फोर्स क्या होती है, लॉरेंट फोर्स होती है इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का जो रिजल्टेंट होता है उसको हम लोग प्यार से लॉरेंट फोर्स के नाम से जानते हैं। लॉरेंट फोर्स इज क्यूई प्लस क्यूवी क्रॉस बी, ठीक है। अच्छा क्या बात है डॉक्टर साहब, तुम बड़े हो गए ऐसे ऐसे मतलब ऐसे प्रिस्क्रिप्शन लिखोगे क्या बच्चों को या लोगों को, ऐसा मत करो भाई, ठीक है। तो एफ एल इज इक्वल टू क्यू प्लस क्यू वी क्रॉस बी, ठीक है। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, इसका नाम होता है वेलोसिटी सिलेक्टर। भाई आपने कभी ये बात सोची है बच्चों कि जब एक पार्टिकल है, समझना ठीक है, हमारे लिए कितना आसान है, हम कहते थे प्रोटॉन था वो इतनी स्पीड से जा रहा था 500 मीटर पर सेकंड से, तो 1000 मीटर पर सेकंड से प्रोटॉन जा रहा था, हमने तो बोल दिया। लेकिन प्रैक्टिकली एक प्रोटॉन 1000 मीटर पर सेकंड से जा रहा होगा, ये कैसे मिलेगा, हाउ विल वी कम टू नो कि एक प्रोटॉन 1000 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। भाई एक प्रोटॉन ऐसा तो है नहीं कि मतलब उसके अंदर स्पीडोमीटर फिट कर दिया कि भाई निकाल लो इसकी स्पीड, या फिर हमने जैसे वो क्रिकेट में जैसे बॉल की स्पीड नाप रहे हैं कि भाई यहां से जब निकला तो देखा कहां था, जब वहां पहुंचा तो देखा कहां, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर गया, कितने टाइम में कर लिया और उसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। और इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी,
वो वेलोसिटी नापने का तरीका क्या होगा, प्रोटॉन की वेलोसिटी को नापने का तरीका क्या है? तो थैंक यू जमील। तो प्रोटॉन की वेलोसिटी को नापने का तरीका ये है कि देखो बहुत सिंपल सी बात यहाँ पे ये है कि वेलोसिटी आ रही है, ठीक है। अब एक्चुअली हम लोग प्रोटॉन की वेलोसिटी नहीं नापते, एक्चुअली हम लोग वो प्रोटॉन सेलेक्ट कर लेते हैं जो हमारी इच्छा की वेलोसिटी का होता है। समझने की कोशिश करना, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक ली प्रोटॉन गन, ठीक है, एक यहाँ पे गन ली और धड़ 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 करके यहाँ पे जो प्रोटॉन थे वो फायर करने शुरू किए। अब यहाँ तो खूब सारे प्रोटॉन फायर हो रहे हैं, किसी की स्पीड कम है, किसी की ज्यादा है, किसी की बहुत ज्यादा है, कोई उड़ता हुआ जा रहा है, कोई बिल्कुल रेंगता हुआ जा रहा है। कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर यहाँ पे आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ऊपर की तरफ लगा दी है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बाहर की तरफ लगा रखी है। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ लगाई तो यहाँ पे ऊपर की तरफ जो फोर्स लग गई, यहाँ पे ऊपर की तरफ उसमें फोर्स लग जाएगी क्यू इंटू वी, ठीक है। कोई भी चार्ज पार्टिकल हो सकता है, नॉट ओनली प्रोटॉन, मतलब ई मान लो चार्ज पार्टिकल, तो ऊपर की तरफ फोर्स लग गई क्यू वी। और हम ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी अगर इधर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, तो वी क्रॉस बी के हिसाब से फोर्स लगेगी नीचे की तरफ और वो आएगी क्यू बी बी, ठीक है। नीचे की तरफ फोर्स आ गई क्यू वी बी, वी और बी के बीच में एंगल, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्लेन के परपेंडिकुलर है, यानी कि दोनों के बीच में एंगल एक बार फिर आ गया 90 डिग्री, तो क्यू वी बी और क्यू ई बराबर हो गए। जैसे ही क्यू वी बी और क्यू ई बराबर हुए, अब मैं क्या कह सकता हूं, अच्छा तो क्यू वी बी और क्यू ई जैसे ही बराबर हुए, वो अगर ये दोनों बराबर हो जाते हैं, अगर क्यूई की वैल्यू बराबर हो जाएगी क्यू वी बी के, तो क्यू से क्यू कटेगा, और अगर ई की वैल्यू, या बेसिकली मैं कह सकता हूं ई की वैल्यू वी बी के बराबर आ गई, या वी की वैल्यू ई बाई बी के बराबर आ गई। अगर वी की वैल्यू ई बाई बी के बराबर आ जाएगी तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो पार्टिकल है वो अनडिफ्लेक्टेड बिल्कुल सीधा सीधा चला जाएगा। तो ये लोग क्या करते हैं कि यहां पर ना एक ढक्कन लगा देते हैं सामने, उस ढक्कन में ठीक सामने एक छेद करके छोड़ देते हैं। अब सिंपल सी बात है, जो पार्टिकल बाहर आ गया उसकी पक्का वेलोसिटी ई बाई बी रही होगी, ठीक है। अब अगर इसकी वेलोसिटी ज्यादा होती तो मुझे बताओ ये ऊपर की तरफ जाता या नीचे की तरफ जाता? अगर वेलोसिटी ज्यादा होती तो ये ऊपर जाता कि नीचे जाता? अगर वेलोसिटी ज्यादा होती तो देखो इलेक्ट्रिक फोर्स जो लग रही है सो लगी रही है, वो तो लगती ही रहेगी, इलेक्ट्रिक फोर्स तो इतनी ही है। लेकिन अगर वेलोसिटी ज्यादा होगी तो क्या होगा, वेलोसिटी ज्यादा होते के साथ ही फोर्स लग जाएगी नीचे की तरफ। क्यों? क्योंकि ये नीचे वाली, ये वी बढ़ जाएगी तो क्यू वी भी बढ़ जाएगी, क्यू वी भी बढ़ेगी, नीचे वाली फोर्स बढ़ जाएगी, नीचे वाली फोर्स बढ़ेगी, मैग्नेटिक फोर्स जीत जाएगी और पार्टिकल नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट होकर दीवार से टकरा जाएगा, बाहर नहीं निकलेगा। यहां पे वेलोसिटी अगर ग्रेटर देन ई बाई बी है तो वो इस डायरेक्शन में जाएगा, वेलोसिटी अगर ई बाई बी से छोटी होती तो मैग्नेटिक फोर्स कमजोर हो जाती, इलेक्ट्रिक फोर्स जीत जाती और ये ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट होकर यहाँ टकरा जाता। मुद्दे की बात यह है कि बाहर वही निकलेगा जिसकी वेलोसिटी ई बाई बी के बराबर होगी। समझ आ गई बेटा? अच्छा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये इस चीज को हम लोग प्यार से कहते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर। मतलब मुझे कई बार आश्चर्य होता है उन लोगों के ऊपर जिन्होंने पहली बार इसे बनाया होगा, मतलब अपने उन्होंने जिंदगी जीवन के इतने सारे साल लगा दिए, तो इतने सारे साल लगाने के बाद भी वो इस चीज के ऊपर पहुंच पाए, इसके ऊपर काम कर पाए, ये बहुत बड़ी बात, ठीक है। मतलब जहां उनको ये नहीं पता कि कुछ होगा नहीं होगा, जब जैसे अगर हम अपना कंपैरिजन करें तो हमें पता है एग्जैक्टली ये किताबें पढ़नी है, ये हमारे पास ये चीजें हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इसको सॉल्व करने से हम इस कॉलेज में जाएंगे, ये हमारे साथ, मतलब आपको एग्जैक्टली पूरा रास्ता पता है, फिर भी चलने में आलस आता है, ठीक है। यहीं पर अगर हम इन 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 साइंटिस्ट की बातें करें तो जिन्होंने ये वेलोसिटी सेलेक्टर बनाया होगा, सोचो ना उनको इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रही है, ना उनको मैग्नेटिक फील्ड दिख रही है, ना उनको वो चार्ज पार्टिकल दिख रहा है, ठीक है, फिर भी वो लगे हुए हैं और उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, बहुत सारे थ्योरी करी, तब जाके उन्होंने इस चीज को बना वो इस चीज को बना पाए और जिसकी हेल्प हम आज भी यूज कर रहे हैं, ठीक है। चलो फिर इसके बाद अगली चीज आती है मास स्पेक्ट्रोमीटर। क्या होता है मास स्पेक्ट्रोमीटर? अच्छा मास स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है? मास स्पेक्ट्रोमीटर बेसिकली एक ऐसी डिवाइस होती है। अब जैसे जैसे अभी हमने देखा एक बड़ी प्रॉब्लम थी कि चार्ज पार्टिकल्स की वेलोसिटी कैसे नापेंगे। अब अगली जो चीज होती है वो होती है कि मास स्पेक्ट्रोमीटर में, अब जैसे कोई चार्ज कोई आइसोटोप है उसका मास कैसे नापेंगे? जैसे मैंने अगर आपसे मान लो कह दिया कि भाई कार्बन का आइसोटोप है C14 है और C12 है, अब वो C14 का मास थोड़ा ज्यादा होगा, नापेंगे कैसे? तराजू रख दे, एक तरफ C14 डाल देते हैं और दूसरी तरफ ये एक न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन, प्रोटॉन डाल डाल के देख रहे कौन सा ज्यादा भारी आ रहा है। अब वो तो नहीं कर सकते, और अगर वो नहीं कर सकते तो फिर करें क्या? उसके लिए हमें बहुत ही खूबसूरत चीज यूज करते हैं जिसका नाम है मास स्पेक्ट्रोमीटर। क्या होता है मास स्पेक्ट्रोमीटर? समझो बेसिकली वेलोसिटी सेलेक्टर ही है। वेलोसिटी सेलेक्टर ना यहां से चार्ज पार्टिकल को अंदर की तरफ प्रोजेक्ट किया,
जब उसको अंदर की तरफ प्रोजेक्ट किया तो चार्ज उसको प्रोजेक्ट करते के साथ ही यहाँ पे मैंने ये कह दिया मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ हुई इस बात का मतलब क्या हुआ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है तो उस पर फोर्स नीचे की तरफ लगेगी क्यूई, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है तो वी क्रॉस बी के हिसाब से क्यूबी क्रॉस बी लगेगी ऊपर की तरफ, वो हो गई क्यूवीबी। अब सिंपल सी बात है, अगर ये दोनों हो गए आपस में बराबर तो ये पार्टिकल सीधे जाके यहां से बाहर निकलेगा, ठीक है। यहां ये तो वेलोसिटी एक्सीलरेटर हो गया, जो पार्टिकल यहां बाहर निकल रहा है उसकी वेलोसिटी पक्का ई बाय बी के बराबर है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहां पे एक और नई मैग्नेटिक फील्ड लेटर से बी टू और चला जाते हैं, यहां पे हम लोग एक और नई यही मैग्नेटिक नई वाली मैग्नेटिक फील्ड लगती है जिसका नाम रखा बी टू, और ये भी हमने ही सेटअप करी है। अब क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे वो पार्टिकल अंदर घुसा तो उसका बारातियों का स्वागत मैग्नेटिक फोर्स से किया जाएगा, वेलोसिटी हमको उसकी पहले ही बताया, जैसे ही वो अंदर घुसा बी अंदर की तरफ है वी क्रॉस बी के साथ उसमें फोर्स लगेगी ऊपर की तरफ, और ऐसे गोल घूम के वापस आएगा, ठीक है। वी क्रॉस बी, ठीक है, वी इधर है बी अंदर है, वी क्रॉस बी के साथ से फोर्स लगेगी ऊपर की तरफ और वो ऊपर की तरफ फोर्स की वजह से ऐसे गोल घूमेगा और ये एक सेमी सर्कुलर पाथ में जाके टॉप धम जाके टकराएगा। अब ये लोग क्या बहुत ये लोग बहुत तेज है, ये क्या करते हैं यहाँ पे एक फोटोग्राफिक प्लेट लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं फोटोग्राफिक प्लेट यहाँ पे लगा के और फिर चले जाते हैं चाय पीने, चलो भाई घूम फिर के आते, ये इस जगह पे फोटोग्राफिक प्लेट लगा दी जाती है। वो फोटोग्राफिक प्लेट पे क्या होता है, ये एक पार्टिकल टकराया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक और आया एक और आया एक और आया, खूब सारे जब पार्टिकल यहाँ जाके टकराते हैं तो उसकी वजह से यहाँ पर एक छोटा सा निशान बन जाता है, ठीक है। फिर जब चाय पी के वापस आते देखते हैं अच्छा छोटा सा निशान आ गया, तो अब ये क्या करते हैं इस वाली डिस्टेंस को नाप लेते हैं, लेट अस ये डिस्टेंस डी है, ये डी नाप लिया, एक्चुअली ये डी और कुछ नहीं है डायमीटर ही तो है, ये डायमीटर है। डायमीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस, रेडियस क्या होता है अभी बताया था एमवी बाय क्यूबी, ठीक है। तो यानी कि डी बाय टू को लिख दिया एमवी बाय क्यूबी, वेलोसिटी कितनी है वी है ई बाय बी डिवाइडेड बाय क्यू और ये वाला बी तो बी टू है, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ये सारे के सारे रिलेशन निकल के आ गए, अगर आप ध्यान से देखो तो इसके अंदर डी अभी अभी ना पाए, टू फिक्स्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने सेट करी है, बी पहले वाली मैग्नेटिक फील्ड हमने सेट करी है, बी टू ये वाली मैग्नेटिक फील्ड हमने सेट करी है, तो अब तो बस एम और क्यू रह गए। तो अगर मैं आपसे पूछू एम अपॉन क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो एम अपॉन क्यू की वैल्यू आ जाएगी डी क्यू बी बी टू अपॉन टू ई, जिसमें से ये सारी चीजें हमने सेट करी हुई है, क्यों नहीं आएगा एक सेकेंड, यहां पे क्यों नहीं आएगा, एम बाई क्यू क्यों ले जाएगी डी बी बी टू अपॉन टू टू ई, हाँ ठीक है। अब जैसे ही आपने इसको देखा और आपको यहां पे समझ में आया कि देखो बी बी टू और ई तो और टू तो हम जानते ही है, ठीक है, डिस्टेंस हमने नाप ही लिया, तो बेसिकली अगर मास पता है तो चार्ज निकाल लो, चार्ज पता है तो मास निकाल लो, दोनों नहीं पता तो दोनों का रेशियो तो मिल ही जाएगा, समझ आ गई वाली बात। This device is actually known as mass spectrometer. ये छोटे छोटे devices हैं, छोटे छोटे सवाल बन जाते हैं इसके ऊपर, और जो कि actually काम आते हैं boards के अंदर बच्चों, और सबसे ज्यादा काम आती है इस श्रृंखला में जो चीज है उसका नाम है cyclotron. Cyclotron क्या चीज होती है ध्यान से देखना, cyclotron बेसिकली क्या होता है कि भाई जैसे एक प्रोटोन है, छोटा सा प्रोटोन है, उसको आपने धीरे 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 आप उसकी वेलोसिटी बढ़ाते जाना चाहते हो, और आपको इतनी बहुत ज्यादा तेज उसकी वेलोसिटी करनी, तो उसकी वेलोसिटी बढ़ाए कैसे लगातार, क्योंकि उसके लिए फिर आपको या तो बहुत स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस उसको एक्सेलेरेट करें। अब दिक्कत ये है कि बहुत स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस एक्सेलेरेट करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी दोनों के बीच में, और उसकी वजह से हवा जो है बीच में या जो भी वो जो मीडियम होगा हो सकता है वही आयनाइज हो जाए, ठीक है, वही कंडक्ट करने लग जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाती है। तो इतनी स्ट्रॉन्ग इतनी ज्यादा एनर्जी उसको दी कैसे जाती है, तो बहुत सिंपल तरीका है, बहुत ही होनहार तरीका है। इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने यहां पर ये जो रीजन था ना, यहां पे जैसे मान लो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लगाई बाहर की तरफ, लेट अस यहां पे इस तरीके से ये पूरा रीजन है जिसमें पूरे में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की तरफ, ठीक है, इसको डी कहते हैं डी डबल डी, ठीक है, और यहां पे पूरे में मैग्नेटिक फील्ड लगा ली बढ़िया शानदार। अब जब वो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लगा लेते हैं पूरे पे, ऐसे यहां पर भी है, ठीक है, तो उससे क्या होता है, अब यहां पे जैसे ही सारे में मैग्नेटिक फील्ड लगी और मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, ध्यान रखना ठीक है, जैसे यहां पूरे में मैग्नेटिक फील्ड लग गई, अब जैसे एक चार्ज पार्टिकल लिया
प्रोटॉन, लेट अस से प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज है, और उसमें क्या किया कि यहाँ पे जो पोलैरिटी है, ध्यान से आप देखो इस जगह पे जो पोलैरिटी वो लगातार चेंज होती रहती है, ठीक है। साइक्लोट्रॉन को ध्यान से समझ लेना बच्चों, क्योंकि इसका जो मटीरियल है बहुत ज्यादा जगह पर मिलता नहीं है, ठीक है। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, कभी ये पॉजिटिव वो नेगेटिव, कभी वो पॉजिटिव ये नेगेटिव, और इनकी पोलैरिटी लगातार चेंज होती रहती है। पोलैरिटी चेंज होने से होता क्या है? पोलैरिटी चेंज होने से ये होता है कि जैसे ही आपने यहां पे हायर पोलैरिटी रखी, मान लो ठीक है, यहां हायर रख दी, वहां लोअर रख दी, तो यानी कि रिलेटिविटी इधर की तरफ हो जाएगी, तो चार्ज पार्टिकल इनिशियली यहां से यहां भागता है, ठीक है। प्लीज नोट, इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, ये बीच वाले रीजन में मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो वो इलेक्ट्रॉन सी, वो तो प्रोटॉन था, वो सीधे यहां से यहां भागा बहुत तेज, मतलब तेज क्या मतलब धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ी। अब रेडियस जो होता है वो आपको पता है, रेडियस होता है mv/qb, m और q फिक्स्ड है, मैग्नेटिक फील्ड फिक्स्ड है। यहां पे छोटी सी वेलोसिटी आई, तो उस छोटी सी वेलोसिटी के चलते उसने एक छोटे से रेडियस का सर्कल कंप्लीट किया, ठीक है, और सेमी सर्कल कंप्लीट करके वो यहां से बाहर आ गया। जैसे ही बाहर आया, यहां पोलैरिटी बदल देते हैं, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव कर देते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो जाती है, तो उस पॉजिटिव चार्ज फोर्स और लगती है, तो वो यहां से यहां तक एक्सेलरेट करता है। प्लीज नोट, यहां से यहां तक उसकी स्पीड कॉन्स्टेंट थी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कभी कोई वर्क नहीं करती, ठीक है। और अगर मैग्नेटिक फील्ड कभी कोई वर्क नहीं करती तो उस केस में क्या होगा, तो यहां पे जो वेलोसिटी वो लगातार बढ़ती चली जाती है, ठीक है। अगर ये वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी तो क्या होगा, अगर यहां पे वेलोसिटी बढ़ती चली गई तो यहां पे आके वेलोसिटी बढ़ गई, ज्यादा हो गई, वेलोसिटी ज्यादा हो गई, तो ये अब ज्यादा बड़े सर्कल में घूमेगा, फिर यहां से बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर निकलते ही, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकलते ही वो इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में आ गया, यहाँ पे हायर पोलैरिटी वाला लोअर पोलैरिटी कर दी, वो फिर एक्सेलरेट कर गया, यहाँ पे स्पीड और ज्यादा होगी, फिर वो कांस्टेंट स्पीड से बड़े सर्कल पे घुमा, और ये इस तरीके का पाथ जो है वो लगातार चलता रहता है। ये बाप है, इतना से एक्सेलरेट करता है, फिर यहाँ पे यहाँ एक्सेलरेट करता है, फिर यहाँ एक्सेलरेट करता है, फिर यहाँ एक्सेलरेट करता है, फिर यहाँ एक्सेलरेट करता है, और लगातार एक्सेलरेट करने की वजह से इसका जो सर्कल है वो लगातार बड़ा होता चला जाता है, ठीक है। तो ये जो चीज है, ये पूरी प्रोसेस है वो साइक्लोट्रॉन है। अब उसमें जब ये बाहर घूमते घूमते इसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, तो फिर बस यहां से उसको प्रोजेक्ट कर देते हैं कि भाई यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो करके तब तू चला जा, और वो जला वो जहां यहां जाके वो जिस भी जगह पे आप स्ट्राइक करवाना चाहते हो वहां जाके वो स्ट्राइक कर जाता है, और जो भी आप एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे थे वो एक्सपेरिमेंट पूरा होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया इसकी थ्योरेटिकल नॉलेज, कैसे काम करता है ये वाली बात हमने यहां देखी। अगली जो चीज आती है भाई, वो ये है कि भाई प्रिंसिपल क्या है। तो प्रिंसिपल में ये है कि भाई देखो, सीधी सी बात है, रेडियस तो mv/qb होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको लिख के बताया था। तो m वही है, q वही है, b यूनिफॉर्म है, हर जगह पे सेम है। तो जितनी ज्यादा होगी वेलोसिटी उतना ज्यादा होगा रेडियस, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जो टाइम टेकन क्या होगा भाई, आधा सर्कल कंप्लीट करने में जो टाइम टेकन आएगा, यहां से मतलब आधा सर्कल कंप्लीट करके यहां से यहां तक आ गया, तो आधा सर्कल कंप्लीट करने में जो टाइम पीरियड आएगा, पूरे सर्कल का टाइम पीरियड हमने थोड़ी देर पहले निकाला था, वो 2πm/qb आया था, तो आधे का πm/qb आ जाता है। तो πm/qb के लिए इसका मतलब ये हो गया कि πm/qb के लिए कुछ पार्ट के लिए तो ये हायर ये लोअर रहेगा, फिर जब ये यहां से आके यहां आएगा तो थोड़ी सी देर के लिए फिर ये हायर वो लोअर बन जाएगा। तो जो ये जो बगल में जो मतलब ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज लगा हुआ है वो लगातार अपनी जो पोलैरिटी है वो चेंज करता रहता है। अब आधे सर्कल के लिए वो इधर हायर था, अगर ये हायर है तो आधे सर्कल के लिए ऐसे हायर था, आधे सर्कल के लिए ये हायर है, अगर ये हायर है फिर ये हायर, फिर ये हायर, फिर ये है, और ऐसे चलता रहता है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, तो आधे टाइम के लिए तो ये ऊपर था, आधे टाइम के लिए ये नीचे था, मतलब एक साइकिल तो पूरे एक टाइम पीरियड में ही कंप्लीट हुई। आधे टाइम पीरियड के लिए ये पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव नीचे, आधे टाइम पीरियड के लिए पॉजिटिव नीचे नेगेटिव ऊपर, तो एक साइकिल जो कंप्लीट हुई है वो तो एक सेकंड में कंप्लीट, मतलब एक पूरे टाइम पीरियड में ही कंप्लीट हुई है। और इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि उसका जो ये वो रेजोनेंस कंडीशन हो जाती है, जो टाइम पीरियड आ जाता है वो 2πm/qb हो जाता है, या फ्रीक्वेंसी जो है वो 1/ टाइम पीरियड होती है, वो हो जाती है qb/2πm। समझ में आ गई बच्चों ये वाली बात है? तो मुद्दे की बात यहाँ पे यही है कि साइक्लोट्रॉन वर्क कैसे करता है। ये एनिमेशन से मैं बस आपको ये समझाना चाह रहा था कि साइक्लोट्रॉन का बढ़िया तरीका क्या होता है काम करने का, ठीक है। तो साइक्लोट्रॉन का जो बढ़िया तरीका होता है वो काम करने का वो यही है कि वो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बातें हैं याद रखने की वो ये है कि इस रीजन में स्पीड रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ठीक है, और यहां पे इस पार्ट में डायरेक्शन रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ठीक है। जब वो पार्टिकल इस पाथ पे जा रहा है तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है,
यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है विच इज नॉन जीरो, मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नॉन जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, ठीक है। चलिए अब इसके बाद अगली जो चीज आती है वो ये है कि साइक्लोट्रॉन के लिमिटेशंस क्या है। तो पहले लिमिटेशन तो यही है कि इसके अंदर आप अनचार्ज पार्टिकल जैसे न्यूट्रॉन्स हैं उनको आप एक्सेलेरेट नहीं कर सकते। सही बात है, क्योंकि अगर न्यूट्रॉन जा रहा होगा जिस पे कोई ऐसा पार्टिकल जा रहा होगा जिस पे चार्ज ही नहीं होगा, तो जब उसको एक्सेलेरेट करने की कोशिश करोगे तो वो रस्ते में फैल जाएगा, मतलब वो उसके ऊपर फोर्स ही नहीं लगेगी, ना उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी ना मैग्नेटिक फोर्स लगेगी। तो अगर आपने रेस्ट पे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन भी कर दी तो भी वो रेस्ट पे रखा हुआ है वो मूव ही नहीं करेगा। दूसरी बात इसके इसके चलते आप इलेक्ट्रॉन्स को भी एक्सेलेरेट नहीं कर सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मास बहुत ही कम होता है। इलेक्ट्रॉन्स का बहुत कम मास होने की वजह से वो एक्चुअली बहुत ही ज्यादा बड़े सर्कल पे जाएगा, और एक्चुअली अगर आपने नाम सुना हो लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, तो वो कुछ इसी तरीके की चीज है, ठीक है। लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में वो जो इलेक्ट्रॉन्स को बहुत तेज, सॉरी प्रोटॉन्स को बहुत तेज वेलोसिटी देके जो वो टकराते हैं वो यहीं पे होता है, ठीक है। अच्छा अब इसके ऊपर एक छोटे छोटे क्वेश्चन देखते हैं, जैसे एम्स 2018 में आया हुआ सवाल है, ये वो क्या है, अ साइक्लोट्रॉन प्रोवाइड्स अ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 MeV टू अ ड्यूट्रॉन। 2 MeV की एनर्जी प्रोवाइड की एक ड्यूट्रॉन को, तो फाइंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी गिवन टू अल्फा पार्टिकल्स आएगा, ये अल्फा पार्टिकल ए गलती से आ गया यहाँ पे, अल्फा पार्टिकल्स। तो अल्फा पार्टिकल्स के लिए क्या होगा भाई, सीधी सी बात है कि सेम पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस इसको मतलब एक्सेलेरेट करना है। तो वैसे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्वेश्चन हो जाएगा ये क्यू डेल्टा वी प्लस डेल्टा के इक्वल टू जीरो, वो कहां से आया, वो तो सर यहां से आया था, वो डेल्टा यू प्लस डेल्टा के इक्वल टू जीरो से। अब क्यू डेल्टा वी की वैल्यू कहां से आएगी, तो हम यहां पे कह सकते हैं कि भाई चार्ज कितना हो गया, क्यू इंटू डेल्टा वी, एक्चुअली पोटेंशियल का ड्रॉप आने वाला है तो डेल्टा वी को मैं माइनस वी लिख देता हूं, ठीक है। तो इसको मैंने लिख दिया क्यू इंटू माइनस वी इज इक्वल प्लस डेल्टा के इक्वल टू जीरो। इसको थोड़ा और अच्छे से लिखेंगे तो और क्या लिखा हुआ आएगा, यहाँ पे लिखा हुआ आएगा डेल्टा के इज इक्वल टू क्यू इंटू वी। मुद्दे की बात यह है कि चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज, ठीक है। तो अब अगर साइक्लोट्रॉन में ड्यूट्रॉन है, ड्यूट्रॉन का चार्ज होता है 1e, ठीक है। अगर ड्यूट्रॉन का चार्ज 1e होता है तो उसने कितनी एनर्जी एक्वायर करी, तो हमने कैसे उसी काइनेटिक एनर्जी होगी एक्वायर 2 MeV, तो 2 MeV इज इक्वल टू 1e इनटू जो भी पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस को एक्सेलरेट किया था। अच्छा मैक्सिमम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो अल्फा पार्टिकल क्या आएगी, तो अल्फा पार्टिकल के केस में मैक्सिमम एनर्जी ई बोल देता हूं मैं, तो वो हो जाएगी चार्ज उसका हो जाएगा 2e। अल्फा पार्टिकल का मतलब क्या होता है, अल्फा पार्टिकल होता है 4He2, ठीक है। तो चार्ज होता है उसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम ही है। जैसे ही आपने इन दोनों का डिवाइड किया, ई से कटा ई, वी से कटा वी, और ई की वैल्यू आ गई 4 MeV, ठीक है बच्चों। तो आंसर इसका आ जाएगा कैलकटा, क्लियर है। नेक्स्ट, अ साइक्लोट्रॉन इज यूज्ड टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल्स, देन द टाइम पीरियड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ प्रोटॉन इज। हाँ भाई, क्या करोगे इसके अंदर, एक साइक्लोट्रॉन यूज कर रहे हैं हम लोग टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल्स, चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करने के लिए एक साइक्लोट्रॉन यूज कर रहे हैं, देन द टाइम पीरियड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ प्रोटॉन। तो टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड तो होता ही है 2πm/qb, अभी बताया था, ठीक है। टाइम पीरियड एक एक जो पूरा सर्कल है, तो यहां से यहां जाएगा, फिर यहां से सीधा जाएगा, फिर यहां से यहां जाएगा, फिर यहां से सीधा जाएगा, फिर बड़े सर्कल में जाएगा, वो इस तरीके से जाता रहता है। तो एक एक जो टाइम पीरियड है वो यहां से जाके वापस यहां तक आने में जो टाइम लगा उसको, वो हो जाएगा πm/qb इधर, πm/qb उधर। ये बीच में जो टाइम इंटरवल है वो जो उसने क्रॉस किया उसमें जो टाइम लगा वो नेग्लिजिबली स्मॉल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, तो टाइम पीरियड आ गया 2πm/qb। अच्छा टाइम पीरियड अंडर द टाइम पीरियड ही पूछा गया है, ओके 2π, तो ठीक है। मास कितना हो जाएगा, प्रोटॉन की बात हो रही है तो प्रोटॉन का मास हो जाएगा 1.6 × 10⁻²⁷ अपॉन, चार्ज हो जाएगा 1.6 × 10⁻¹⁹, और मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है 1 टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है 1 टेस्ला। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 20π × 10⁻¹⁹ सेकेंड्स, यानी कि 20π ns, यानी आंसर आ गया आगरा, एम्स 2011 में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। चलो और एक और सवाल आया, ये आ गया मास स्पेक्ट्रोमीटर के ऊपर, ठीक है। अब मास स्पेक्ट्रोमीटर यूज फॉर मेजरिंग द मासेस ऑफ आयंस, तो बेसिकली चार्ज, चार्ज ऑन आया ना मास, q बाय
एम पूछा गया है, ठीक है। द आयंस वर इनिशियली एक्सेलरेटेड बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस वी, तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि उसकी उनकी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो क्यू ही हो गई, क्यू वी हो गई, डेल्टा के की वैल्यू क्यू वी आ गई। ये जैसे हम लोगों ने इस जगह पर निकाला था, डेल्टा के की वैल्यू आ गई क्यू वी। तो अगर वी वोल्ट से एक्सेलरेट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ जाएगा क्यू वी के बराबर। जैसे ही काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा क्यू वी के बराबर, देन एंड देन मेड टू डिस्क्राइब द सेमी सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, ठीक है, यूजिंग अ मैग्नेटिक फील्ड बी, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अगर उसने आर रेडियस मैग्नेटिक फील्ड बी के चलते आर रेडियस में वो आर रेडियस डिस्क्राइब कर गया, तो रेडियस की वैल्यू हो गई एम वी बाय क्यू बी, ठीक है। अच्छा, वेलोसिटी वी वोल्ट से एक्सेलरेट किया था तो एक चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी को मैं हाफ एम वी स्क्वायर बोल देता हूं। अब कुछ नहीं करना, बस ये वेलोसिटी की वैल्यू उठा के यहां से वेलोसिटी, यहां से वेलोसिटी को आपस में रिप्लेस करना है। तो वेलोसिटी वी स्क्वायर की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर और अपॉन क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर। वी स्क्वायर को मैंने डाला टू क्यू वी बाय एम, तो वो डाला टू क्यू वी बाय एम। वी इज वोल्टेज नॉट वेलोसिटी, ठीक है। एक क्यू से क्यू कट गया, एक एम से एम कट गया, और ये जो एक्सप्रेशन फाइनली निकल के आया वो क्या आया निकल के बच्चों, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम बाय क्यू इंटू ट्वाइस ऑफ वोल्टेज अपॉन मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर। पूछा क्या है, चार्ज और मास का रेशियो, तो Q बाय M की वैल्यू क्या निकल के आ गई, वो आ गई 2V अपॉन B स्क्वायर इंटू 1 बाय R स्क्वायर। तो यहां से ये बात समझ में आई कि Q बाय M का जो रेशियो है वो 1 बाय R स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, यानी कि आंसर आ गया कैलकटा। AIPMT 2007 में पूछा गया क्वेश्चन था ये, ठीक है। चलो तो ये हो गई भाई आज की क्लास के बारे में, साइक्लोट्रॉन के बारे में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो क्वेश्चन जब अगर बोर्ड्स में या नीट में आएंगे या अगर आपके साथ अगर आप जेई की तैयारी करते हो जेई में आएंगे तो आई होप आप उनको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलो यहाँ पे हमने आप लोगों ने स्पेशल क्लासेस लेनी शुरू करी है बच्चों, और स्पेशल क्लासेस हम अनअकैडमी के प्लस पे सॉरी अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे लेते हैं, जिसके अंदर अगर हम लोग बहुत सारी बातें बता रहे हैं, जैसे कि मैं लाइव क्लास अभी जैसे कैपेसिटर्स की चल रही है, प्लस फटाफट कोर्स भी चल रहा है। फटाफट कोर्स बेसिकली ये है कि एक घंटे के अंदर उस चैप्टर के बेसिक जो भी डेफिनेशंस हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स टू सॉल्व क्वेश्चंस विद हाई एक्यूरेसी एंड स्पीड, और उसके साथ हम लोग मैं उसके अंदर पोल्स भी लेता हूँ और उससे लीडर बोर्ड भी जनरेट होते हैं, और उसकी हेल्प से हम लोग PYQ से क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं। एक घंटे के अंदर बिल्कुल पावर पैक सेशन रहता है, बहुत फटाफट सारी चीजें होती हैं और वो फटाफट सीरीज कहलाती है। अच्छा, एक और रेगुलर सीरीज भी चल रही है जिसके अंदर मैं जनरली कैपेसिटेंस पढ़ा रहा हूँ इसके अंदर, ठीक है। जैसे अभी शाम को 4:30 बजे कैपेसिटेंसी क्लास है, तो अगर आप चाहो तो कैपेसिटेंसी क्लास यहाँ पे अटेंड कर सकते हो, ठीक है, वो 4:30 बजे, ठीक है। अगर आपको पता करना है कि कब कौन सी क्लास होती है तो अनअकैडमी पे जाओ, अनु ए गुप्ता, ये मेरा वहां पे हैंडल है अनु ए गुप्ता, ठीक है। तो ये जो मेरा हैंडल है आप इसको अनअकैडमी पे जाके सर्च करो, जिसपे क्लिक करो, मेरी प्रोफाइल आ जाएगी अनअकैडमी की वेबसाइट पे, उसे फॉलो कर लो। जितनी भी स्पेशल क्लासेस मैं लेने वाला हूँ वो सारे आपको यहाँ से पता चलती रहेंगी, ठीक। इसी तरीके से बाकी सारे टीचर्स भी कुछ कर रहे हैं, वो भी अपनी तरफ से अपने बच्चों का बहुत ज्यादा हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। तो डू फॉलो एंड सब लोगों को आप फॉलो करो, पूरे चैनल को फॉलो करके रखो ताकि आपको पता चलता रहे कि कहाँ पर क्या क्या चल रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये हमारी टीम के सबसे नए सदस्य हैं, इनका नाम है दीपक सर, और ये इनका टाइमिंग्स हैं जो यूट्यूब पर वो क्लासेस लेते हैं उसका, ठीक है। ये हमारा जनरल टाइमिंग है, मैं वैसे रात को रेगुलरली रात को 8 से 9 आता हूँ, 8 से 9 आपको मैं नीट के लिए रेगुलर पढ़ाई कराता हूँ। उसके अंदर अभी इस वक्त इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के, इनफैक्ट पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के रिविजन मेंटी क्विज चल रहे हैं, ठीक है, पूरे इलेक्ट्रोस्टैट से लेके लास्ट तक जितना भी है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में, जो EMI में हमने जो लास्ट तक पढ़ा हुआ है वहां तक के सारे के सबके मेंटिक भी चल रहे हैं जनरल, ठीक है। तो आप रिवाइज करके आओगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वेंडीग्राफ जनरेटर बिल्कुल वैभव आपने अच्छा याद दिलाया, वेंडीग्राफ जनरेटर चलेगा नेक्स्ट सेशन के अंदर, आने वाले सेशन के अंदर बोर्ड वाले ये जो सेशन है ये आते रहेंगे और उसके अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा वेंडीग्राफ जनरेटर के बारे में, ठीक है। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन क्यों लेना चाहिए, पहली बात तो यहाँ पे लाइव क्लासेस होती है, दूसरा आप जैसे अब यहाँ पर क्या है कि मेरे से इंटरेक्शन कम है तो लोगों का आपस में इंटरेक्शन थोड़ा ज्यादा चल रहा है, ठीक है। तो इसमें जब अब आप अनअकैडमी प्लस में आते हो तो जो सीरियस बच्चे होते हैं उनके लिए ज्यादा फायदा होता है यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पे जो एजुकेटर है उनके साथ इंटरेक्शन ज्यादा होता है, ठीक है। पोल्स एंड लीडर बोर्ड जो है, पोल्स के अंदर
यहाँ पे वहां पे पोल्स होते हैं, लीडर बोर्ड होते हैं, ताकि आपको ये समझ में आ सके कि आप बाकी लोगों के करस्पॉन्डिंग कितना आगे या कितना पीछे चल रहे हो, ठीक है। उसके बाद टेस्ट सीरीज होती है, टेस्ट सीरीज अगर बहुत सारी होती है, पर यहाँ पे एनालिसिस होता है, ताकि वो आपको ये बताते हैं कि आपने एग्जैक्टली कितना आप मतलब किस जगह पे आप लैग कर रहे हो, कहाँ पे आपको ज्यादा मेहनत की जरूरत है, और इस तरीके की बातें, ठीक है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो सबसे सबसे बेहतरीन फीचर है वो है डाउट क्लियरिंग सेशंस। यहाँ पे क्या होता है, हर चौथा सेशन प्लस कोर्स की बात कर रहा हूँ, अनअकैडमिक सब्सक्रिप्शन लेने के बाद हर चौथा सेशन कंपल्सरीली डाउट क्लियरिंग सेशन होता है। उसका मतलब क्या है कि आप अपना अपने अपने को वीडियो से मतलब आपने कोई मतलब बुक सॉल्व कर रहे थे, उसमें आपको क्वेश्चन रह गया नहीं हो रहा आपसे सॉल्व, तो आपने आप ये कर सकते हैं, आप उसकी फोटो खींचो और फोटो खींच के यहाँ पे डालो। जैसे आप उसकी फोटो खींच के यहाँ पे डालोगे तो क्या होगा, ये जैसे यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पे एडुकेटर रहते हैं, ठीक है। अगर अब ये जो एडुकेटर यहाँ पर है, एडुकेटर यहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ नीचे चैट चल रही है और यहाँ पे आपका वीडियो दिखता है, आपके मतलब आपने जो फोटो भेजी है वो फोटो यहाँ पे दिखती है, और उसको उसके बगल में ये उनको उसको पूरे को सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ एनालिसिस तो होता ही रहता है पूरा पूरा, ताकि आपको अच्छे से ज्यादा फायदा मिल सके। हिंदुस्तान के जो बेस्ट एडुकेटर्स हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे आके जुड़ चुके हैं, और बाकी अभी और भी जुड़ रहे हैं, ठीक है। और इसलिए आप यहाँ पे आओगे तो आपको अच्छा ही लगेगा, आपके पास मल्टीपल एडुकेटर से पढ़ने का मौका मिलता है यहाँ पर आप, ठीक है। एक चीज यहाँ पर ये है कि मैंने अभी रिसेंटली यहाँ पे 11th का कोर्स लॉन्च किया काइनेमेटिक्स का, अगर आप 12th में हैं और आपको लगता है कि सर 11वीं बर्बाद हो गई तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। तो उसके इसके लिए क्या हो सकता है कि आप एक्सटेंसिव कोर्स ऑन काइनेमेटिक्स और 12th, मैं बेसिकली क्या है डेली सुबह 10:30 से 11:30 तो मेरी प्लस पे क्लास होती है क्लास 12th की, और 11:45 से लेके 12:45 ये मेरी डेली क्लास होती है 11th की, ठीक है। तो आप चाहो तो ये ज्वाइन कर सकते हो, या फिर ये कर सकते हो, या दोनों भी अटेंड कर सकते हो। 2 घंटे मेरे साथ आप रहो, एंड मेरा प्लान ये है कि मैं अगले मतलब दिसंबर एंड या ज्यादा से ज्यादा मिड जनवरी तक, या इनफैक्ट फर्स्ट वीक जनवरी तक 11th और 12th दोनों खत्म कर दूंगा। और अगर मैं दोनों ही खत्म कर दूंगा तो इसका मतलब ये है कि आप अगर आप 12th में है तो आप अपनी 11th साथ रिवाइज कर सकते हैं, आप 11th में है तो आप 11th के लिए अटेंड करें। अगर आप ड्रॉपर हैं, अगर आप अगले साल की सोच रहे हैं 2022 की, या अगर आप ड्रॉपर हैं, एज अ ड्रॉपर अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो भी आप 11th और 12th दोनों एक साथ डेली पढ़ के दिसंबर तक अपना सिलेबस खत्म कर दो, उसके बाद अपन रिविजन करेंगे, ठीक है। बाकी हमारे यहाँ पे इलाइट बैचेस जो हैं या जो बैच कोर्सेज हैं वो तो है ही सही, जिसमें हम लोग सब लोग एक साथ पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये सब करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, अनअकैडमी की लर्निंग ऐप ढूंढो, उसको इंस्टॉल करो, इंस्टॉल करने के बाद नीट पे जाओ, नीट पे जाने के बाद प्लस पे जाओ, प्लस पे जाने के बाद गेट सब्सक्रिप्शन पे जाइए, वहां से जाने के बाद आपको ऑप्शन मिलेंगे 1 महीने 3 महीने 6 महीने। खास बात यह है कि आपको 12 महीने और 24 महीने के ऑप्शन मिलते हैं, जो सबसे ज्यादा इकोनॉमिक होते हैं और मतलब सबसे सस्ते पड़ते हैं पर मंथ की फीस के हिसाब से, ठीक है। और अगर आप इसको ज्वाइन करते हो, दिस इज कुछ भी नहीं है यार, ये 50 रुपीज पर डे है, ये 50 रुपीज पर डे, इतना तो आप अगर आप ऑफलाइन कोचिंग लेते हो तो आने जाने में खर्च हो जाता है, अगर आप आते जाते हो तो, जाते नहीं तो अलग बात है, ठीक है। अदरवाइज अगर आपको अभी भी लग रहा है नहीं सर ये भी ज्यादा है, तो कोई बात नहीं, आप मेरा कोड यूज कर लो, मेरा कोड है अनु 10, क्योंकि अनु मेरा नाम है, 10 क्योंकि 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट बच्चों आपको मिल जाएगा अगर आप इसे यूज करोगे तो, ठीक है। अनु 10 कोड यूज करने से ये जो फीस आपकी हो जो 1500 रुपए पर मंथ से कम होकर 1350 रुपीज पर मंथ पे रह जाएगी, ठीक है। आपको ये भी लग रहा है कि सर नहीं ये भी ज्यादा है, तो उस केस में आप एक काम कर सकते हो, आप क्रेडिट कार्ड से नो कॉस्ट EMI ले सकते हो, ताकि आप ये जो छोटा सा अमाउंट है, वैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो अमाउंट है ये अमाउंट से कम 5 से 10 गुना फीस आपको लगती है अगर आप ऑफलाइन कोचिंग के थ्रू जाते हो तो मतलब बेसिकली आप हम ये कह सकते हैं कि एक तरीके से ये जो लॉकडाउन है, ये जो सिचुएशन, ये जो सिनेरियो है, हमें जीतता आदमी वही है जो हमेशा जो वर्स्ट केस कंडीशन के अंदर भी अपना सबसे ज्यादा फायदा उठा पाता है, ठीक है। अपना काम जो है वो निकलना चाहिए, और वो ये है कि यहाँ पर हमें मतलब ठीक है सब बुरा हो रहा है पर अब क्या करें, लेकिन क्या हम ऐसे डार्क समय में भी उसके अंदर कोई पॉजिटिव चीज ढूंढ सकते हैं? हाँ ढूंढ सकते हैं ना, क्या कि अभी कोई घर पे आने जाने वाला नहीं है, कोई मिलने वाला नहीं है, कहीं जाना नहीं है, कोई घूमना फिरना नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसी बात का फायदा उठा के हम घर में बैठ के पढ़ लेंगे और फोड़ देंगे, ठीक है बच्चों। तो ये ऐसा काम कर सकते हो। अच्छा ये मेरा कोड डालने से आपको एक्चुअली एक और फायदा भी मिलता है, वो ये है कि आपको मेरी मेंटरशिप मिल जाती है। कोटा में 15 साल से पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों को IIT ने डॉक्टर बनवा चुका हूँ या बना चुका हूँ खुद ही मतलब कोशिश करके, और उनको इस तरह से धक्के मार मार के वहां पे भेज चुका हूँ, तो हो सकता है वो आपकी बारी हो। मेरा बस चले तो मैं तो तुमको डॉक्टर बना के छोड़ू, लेकिन उसके लिए तो पहले मेरी पकड़ में आना चाहिए, ठीक है। और मेरी पकड़ में आने के लिए आप आ जाइए, ठीक है, सब्सक्रिप्शन लो,
और मेरे कोर्सेज के लिए सब्सक्राइब कर लो, डेली मिलो और देखो फिर आपको मैं कैसे पढ़ाता हूँ, ठीक है? सो दैट शुड बी ऑल। आई होप आपको समझ में आया होगा आज की क्लास, और समझ में आया हो चैनल को सब्सक्राइब अभी तक ना कर रखा हो तो कर लो, घंटा बजा दो ताकि आपको कोई कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो, ठीक है? एंड जाते जाते कोड ध्यान रखना, अगर आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो अनु10 ये कोड लिखे। हाँ, मूवी का गैल्वेनोमीटर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ये सारी चीजें हम लोग करते जाएंगे। नमन कुमार सर प्लीज हेल्प। क्या हो गया बेटा? बिल्कुल आपकी हेल्प करने के लिए मैं तैयार हूँ, ठीक है? मैं बिल्कुल बढ़िया। अंश आप कैसे हैं? चलिए भाई, एनीवेज गप्पे मारने का टाइम नहीं है, अभी अपन रखते हैं। और जैसे ही जैसा जो यूजुअली होता ही है, जाते जाते एक ही बात, और वो ये है कि कीप ग्रोइंग, कीप डूइंग योर बेस्ट एंड एंजॉय। जय हिंद।